हाँ तो दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आज मैं जा रहा हूँ त्रिउंड, मैं त्रिउंड ले चलता हूँ। यह धर्मशाला का व्यू, अब मैं पहुंच चुका हूँ त्रिउंड। ये देखो त्रिउंड में कितना ज्यादा बर्फ होता है, और ये कितनी ज्यादा बर्फ के कारण यहाँ पर, ये जो आप पहाड़ के पीछे देखेंगे ना, इस पहाड़ के पीछे आप जा सकते हैं सीधे चंबा, जो कि पैदल ट्रैकिंग है त्रिउंड से 25 से 30 किलोमीटर। इसको 2 से 3 दिन लगते हैं जाने के लिए, और आप आकर त्रिउंड में कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बहुत से कैंप लगे हुए हैं, यहाँ पर कैंपिंग हो रही है, लोगों के द्वारा करी जा रही है। वो यहाँ पर 5 5 दिन 10 10 दिन रहते हैं, और आप आना चाहते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। लेकिन यह तब खुला होता है जून जुलाई अगस्त के टाइम, उसके बाद ये बंद हो जाता है बर्फ के कारण। तो आप जून जुलाई में आए, कृपया यहाँ देखें और यहाँ का मजा उठाएं। और यहाँ पर कृपया कूड़े का ध्यान रखें, कूड़ा ना कचरा ना फैलाएं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को असर पड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू है, त्रिउंड से पूरा धर्मशाला दिखता है नीचे तक। क्या बढ़िया व्यू होगा आप देख सकते हैं। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।